अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष अब सार्थक हो गया है, किंतु इस राम मंदिर की नींव में समर्पण, त्याग, बलिदान और सामाजिक चेतना के उद्घोष की अनकही कहानियां दबी हैं। वो कहानियां जो इसकी आधारशिला है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी नाम साथ साथ लिए जाते हैं, किंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के दूसरे सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। 1990 में जब उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा शुरू की, उस दौर में राम मंदिर आंदोलन जिन कारणों से आम लोगों में फैल सका, प्रचलित हो सका, व्यापक हो सका, उसमें सबसे बड़ा कोई कारण था तो आडवाणी जी की ये रथ यात्रा थी। ये वो रथ यात्रा थी जिससे राम मंदिर आंदोलन घर घर में चर्चा का विषय बना, जनता में आंदोलन की लोकप्रियता और जिज्ञासा इसी से बनी। इस लोकप्रियता को भांप रहे आडवाणी जी ने तब बड़े स्पष्ट शब्दों में चेताया था कि यदि सरकार ने राम जन्मभूमि पर टकराव का रास्ता अपनाया तो देश में ऐसा आंदोलन जन्म लेगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। आडवाणी जी ये बात इसलिए कहते थे क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन को केवल एक मंदिर आंदोलन के रूप में नहीं देखते थे, केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है जो बनना है, केवल एक मंदिर की बात नहीं है, ये संस्कृति और समाज के बड़े सरोकार की बात है। आडवाणी जी का मानना था कि राम मंदिर आंदोलन भारत के लोगों की राष्ट्रीयता और उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ आंदोलन है, इसकी ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही, ये स्वतः स्फूर्त है। वो कहते थे कि राम मंदिर भारतीय संस्कृति की आत्मा है, उनका यही विचार आज भी है। आडवाणी जी आज भी इसी मत और मन के हैं। वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली गिनते हैं कि माँ भारती के अनेक सपूतों ने जिन्होंने राम मंदिर के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान दिया, उसमें मेरी भी भूमिका कुछ रही है। वो अपनी भूमिका को थोड़ा कमतर आंकते हैं, बहुत शांति से, हल्के से अपनी बात रखते हैं, मगर वो रथ यात्रा थी जिसने एक बड़ा फलक, एक बड़ा परिदृश्य इस मंदिर के लिए तैयार किया। आज का ये मंदिर, आज की ये भव्यता आडवाणी जी का जिक्र किए बिना पूरी नहीं होती।